से चंदा कब दूर किरण से खुशबू कब दूर पवन से कब दूर बहार चमन से होटल में एंड अभी मैंने चेंज भी कर लिया है बिकॉज अभी हमें जाना है पुष्कर। फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जगह है। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने इंट्रो में तो देख ही लिया है कि हम लोग जा रहे हैं पुष्कर एंड पुष्कर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जगह है। वहाँ पर करण अर्जुन एंड बजरंगी भाईजान एंड बहुत सारे मूवीज़ शूट हुई है एंड वहाँ पर काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स भी शूट किए गए हैं। और मेरा यहाँ का सबसे फेवरेट है डेजर्ट सफारी, डेजर्ट राइड। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने करण अर्जुन तो नहीं देखी है बिकॉज वो मम्मा के चाइल्डहुड की मूवी है, बट हाँ मैंने बजरंगी भाईजान तो ज़रूर देखी है। मेरी फेवरेट मूवी है वो, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। एंड फ्रेंड्स जो तारों के नीचे वाला सीन है और जो भी रेगिस्तान वाला सीन है ना बजरंगी भाईजान में, तो वो यहाँ का ही है पुष्कर का। एंड फ्रेंड्स हम लोग हमेशा मॉर्निंग में ही जाते थे पुष्कर, बट इस बार हमें नाइट स्टे करना था तो इसलिए हम लोग। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ना सनसेट पॉइंट भी है तो इसलिए हम लोग इस बार शाम में गए। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आता है सनसेट पॉइंट से, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो चलिए दोनों रूम्स देख लेते हैं, सब लोग रेडी हुए या नहीं। मम्मा इंटरेस्टेड नहीं थे नाइट स्टे करने में ये, बट हमें नाइट स्टे करना था। वैसे तो हम लोग हर बार मॉर्निंग में ही जाते हैं ना वहाँ पर, बट इस बार इवनिंग में जा रहे हैं। सो देखेंगे वहाँ का इवनिंग एंड नाइट व्यू कैसा है। सनसेट के बाद हम कभी यहाँ पर रुकते नहीं थे पुष्कर में, बट ठीक है कोई नहीं, अगली बार इंशाल्लाह नाइट स्टे कर लेंगे जब मम्मा का मूड होगा तब। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल रूम से हमारी कार में एंड वहाँ पर हम लोगों ने बुक कर रखी है थार। कार एंड थार, ये तो राइम हो गया फ्रेंड्स। आई लव थार एंड मुझे थार राइड बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं कार लवर भी हूँ और साथी के साथ बाइक लवर भी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं बड़ा होकर मेरी कार एंड बाइक कलेक्शन बनाऊँगा इंशाल्लाह। जो मिला तो हो गया सब हास। इसी रास्ते में हमें अनासागर लेक एंड महाराणा प्रताप स्मारक मिलता है। ये दोनों पॉइंट्स हमने नेक्स्ट डे कवर किए एंड एक्सप्लोर किए बिकॉज हमें आज पुष्कर पहुंचना था। एंड फ्रेंड्स पुष्कर लेक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड ये लेक भी हमें इसी रोड पर मिलता है। पुष्कर के बारे में फ्रेंड्स मुझे थोड़ी बहुत डिटेल पता है, सो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्पेशली मैं ये डिटेल्स अपने महाराष्ट्रियन व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। पुष्कर जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है एंड पुष्कर अजमेर से 11 किलोमीटर्स की दूरी पर है। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट था अंडर कंस्ट्रक्शन, सो ये मुझे कुछ ऐसे 7 वंडर्स का दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा स्टैचूस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स ये जो आप लोग लेक देख पा रहे हो ये अनासागर लेक का ही पार्ट है जो कि अभी चारों तरफ से कवर्ड हो चुका है एंड ये हमारे बॉम्बे की चौपाटी की तरह अभी नज़र आता है। एंड बैक टू द डिटेल्स ऑफ पुष्कर, मैं ये बता रहा था कि पुष्कर पर कार्तिकी पूर्णिमा पर पुष्कर मेला लगता है। मेले में बड़ी संख्या पर देश विदेश से लोग आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेला बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इसी वजह से पुष्कर पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। पुष्कर को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में लगभग 500 मंदिर है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल नाइट स्टे के बारे में भी दे देता हूँ। यहाँ पर नाइट स्टे में राजस्थानी फोक डांस एंड म्यूज़िक अरेंज किया हुआ होता है।
यहाँ पर कैंप्स भी होते हैं एंड हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम टेंट्स में रहे या फिर होटल रूम्स में। वाओ माशाल्लाह फ्रेंड्स, नेचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप लोग देख सकते हो ये माउंटेन्स एंड उसमें हमारी फोटो। इस वॉल पर आप लोग देख सकते हो मंकी, पैरोट्स, पीकॉक्स बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स ये रिसिप्ट थी पुष्कर में एंटर होने की, जो कि ये लोग आउट ऑफ स्टेट व्हीकल से लेते हैं टूरिस्ट की। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आकर ना मम्मी को अपने चाइल्डहुड की याद आ गई, बिकॉज मम्मी यहाँ पर उनके चाइल्डहुड से आ रहे हैं एंड करण अर्जुन मूवी की भी मम्मा को याद आ गई, बट जो मैंने नहीं देखी है। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। Okay friends, so finally we have reached our location. अरे दरवाजा बंद करो, डॉग की आ गया। Okay friends, so अभी हमारे एंड हम पुष्कर पहुंच चुके हैं। हम कहाँ आऊँ, पीछे ही आऊँ ना। वाओ फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर तो आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बग्गीज, कैमल की एंड ये जो टेंट्स है, तो यहाँ पर इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस हम पहनकर फोटोज वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी इतना ज़्यादा मैं डर रहा था ना, तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं। यहाँ पे कॉर्ड बाइक भी हो सके तो मैं भी चलाऊंगा, चला सकूँ प्लीज़। देखो कॉर्ड बाइक्स एंड ये रही हमारी। सो फ्रेंड्स अभी मम्मा ये लोग चले गए हैं फोटोज वीडियोस क्लिक करने के लिए कॉस्ट्यूम्स में, बट मैं नहीं गया इस टर्न में बिकॉज मेरा मूड नहीं था, मुझे मन नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने पहले भी बहुत बार कर लिया है। सो इसलिए अभी मैं नहीं गया, मेरा मन नहीं हो रहा था। जैसे आप लोगों ने इंट्रो में देखा ना मेरा एक पिक जो मैंने लैपटॉप से निकाला था,
2019 का है फ्रेंड्स वो, एंड ईयर 2021 में भी मैंने यहाँ पर क्लिक्स की थी, मैं आया था तब। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैमल राइड भी की थी, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। आप यहाँ पर जब भी आते हो फ्रेंड्स तो आप लोगों को कैमल राइड एंड थार राइड तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अमेजिंग। बिकॉज फ्रेंड्स डेजर्ट में थार ना हो तो कोई मज़ा नहीं, बट फ्रेंड्स बॉडी एक ज़रूर होता है, बॉडी पेन। बट आप लोग होटल रूम्स में जाके शावर लेके कॉफ़ी के साथ टैबलेट्स वगैरह लेके आराम कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का भी एक अलग ही अपना मज़ा है। सो जब भी आप लोग अजमेर आते हो ना तो आप लोग को इस पॉइंट पर आना ही चाहिए पुष्कर। होप सो आप लोगों को सामने ठाकुर की हवेली नज़र आ रही होगी, जो कि करण अर्जुन मूवी में शूट किया गया था यहाँ पर। एंड ये रहे हमारे कुछ पिक। एंड फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा अभी हो चुका है। सो हम लोग को नाइट स्टे करना था बट मम्मा रेडी नहीं हुए, सो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। हमने बहुत इंजॉय किया बट हम सबको यहाँ पर बॉडी पेन स्टार्ट हो चुका था। नॉट गुड। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं एंड अभी हम लोग जाएंगे अपनी कार में। एंड उससे पहले अंकल हमें लास्ट राउंड दे रहे थे थार में। काफ़ी ज़्यादा अंकल भी अमेजिंग थे, सॉफ्ट स्पोकन थे एंड इनकी ड्राइविंग तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, मीन्स ये हैवी ड्राइवर थे, अमेजिंग। काफ़ी इंजॉय किया इनके साथ, ये अंकल के साथ कुछ पिक्स है हमारे। एंड फ्रेंड्स इनका पूरा ग्रुप बहुत ज़्यादा स्वीट था, देख सकते हो आप लोग हमारी पिक्स इनके साथ। एंड अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है इस वीडियो को,
बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड मेरे पैर में भी चोट लगी है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गई है ब्लॉग्स, बट कोई नहीं, थैंक यू। अभी भी मैं आप लोगों को मिस करता हूँ। गुरु कृपा डेजर्ट सफारी, इंशाल्लाह फिर जल्द मिलेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप लोग जब भी पुष्कर जाओ तो इनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बिकॉज ये हमें डेजर्ट के लिए सारी राइड्स अवेलेबल करवाते हैं, जैसे कैमल बग्गीज एंड थार एंड ऑल। सो जब भी आप लोग पुष्कर आते हो तो गुरु कृपा डेजर्ट सफारी इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लोग हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, एंड ये हमारी नीड के हिसाब से हमें अलग अलग डेजर्ट राइड्स अवेलेबल करवा के देते हैं। सो थैंक यू, बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सभी से मिलकर। देख सकते हो आप लोग इनके ऑफिस में जो भी यहाँ पर पुष्कर में टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ शूट हुई है, तो उनके फ़ोटोज़ क्लिक्स या फिर जो भी आप कहो बैनर्स, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्हें पता चला कि मैं मिस्टर इंडियन हैकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो यहाँ पर अंकल मुझे बता रहे हैं कि मीन्स उनकी डिटेल्स, वो कहाँ पर है, एड्रेस उनका एंड उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी। सो थैंक यू, एंड ऑल्सो आप लोग बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे जो जितना सपोर्ट किया एंड प्यार दिया, मेरी मीटिंग भी अरेंज करवाई मिस्टर इंडियन हैकर के साथ, थैंक्स अ लॉट। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।